आतंकियों ने एसओजी की टीम पर 3 से 4 राउंड गोलियां बरसाई गई हैं, जिसके बाद एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स ने क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच पुंछ से भी एसओजी के अतिरिक्त जवानों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। फिलहाल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच किसी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट स्थापित नहीं हो पाया है। उनसे ये बड़ी खबर, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुनीश शर्मा जुड़ रहे हैं। मुनीश, क्या अपडेट है इस खबर पर? जी, आज शाम करीब 4 से 4:30 के बीच में जो है एसओजी की टीम पर ये पैरामदला का डेर इलाका है, काफी घने जंगल है ये और पीर पंचाल का इलाका है ये। यहाँ पर 3 से 4 राउंड जो है गोलीबारी हुई है एसओजी पर, जिसमें एसओजी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बाद फौरन जो है उस क्षेत्र में तैनात राष्ट्रीय राइफल और एसओजी ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर लिया है। और पुंछ से भी अतिरिक्त जो है एसओजी के जवान भेज दिए गए, क्योंकि दूर दराज का इलाका है और जंगल का इलाका होने के कारण जो है अभी धीरे धीरे जो है सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जंगल में एकदम जो है सुरक्षा बल नहीं घुस पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद से कोई भी दोबारा गोलीबारी नहीं हुई है, करीब अब 1.5 घंटा हो चुका है घटना को, लेकिन उसके बाद से इलाके में खामोशी है और सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि रियासी घटनाकांड के पहले भी इस क्षेत्र में जो है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक आतंकी घायल हुआ था, लेकिन 3-4 दिन के तलाशी अभियान के बाद भी सुरक्षा बलों के हाथ कुछ नहीं लगा था। और उसी के बाद लगातार इस इलाके में जो है सुरक्षा बलों की तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही थी और वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, उसी के दौरान जो है ये गोलीबारी है आतंकियों की है एसओजी पर। तो अभी और क्या, मतलब और कैसी सुरक्षा जो बल है वो क्या कदम उठा रहे हैं इस घटना के बाद? सुरक्षा बल तो पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाएंगे और पूरे जो है जंगल का इलाका है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो है कुछ देर के बाद जो है अंधेरा हो जाएगा और जो है सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेराबंदी करके कल तक जो है इसको सुबह तक जो है वहां नजर रखेंगे और सुबह के बाद जो है पूरी तरह से जंगल को छाना जाएगा। हालांकि काफी घना इलाका है और दूर दराज का इलाका है, इसलिए सुरक्षा बल धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आतंकी जब जंगल में छुपे होते हैं तो उनको एडवांटेज जाती है कि अगर बाहर से कोई सुरक्षा बल अंदर जाते हैं तो उन पर जो है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उसी नुकसान से बचने के लिए जो है सुरक्षा बल हमेशा जो है इस तरह के जो है कदम उठाते हैं कि धीरे धीरे जो है एक इलाके को खंगालते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मुनीश, ये तमाम